नमस्कार, सत्यम समाचार के साथ मैं हूं नीलम शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं थाना कोतवाली क्षेत्र में जिम के बाहर फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति की गोली भी लगी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 4 अक्टूबर के दिन अगल सुबह स्टेशन रोड स्थित वैरियम जिम में उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, जब दो युवक नीचे से फायरिंग करने लगे, जिसमें जिम करने आए एक व्यक्ति की गोली भी लगी है और वह गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। उसको उपचार के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। बता दें कि पूरा मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित वैरियम जिम का है। यहां जिम के संचालक हिमांशु सिंह सुबह युवक युवतियों को जिम में ट्रेनिंग दे रहे थे। उसी समय ग्राम बिछिया हाल निवासी आवास विकास कॉलोनी गोल्डी चौहान और खरपरी निवासी गोपाल चौहान नशे की हालत में पहुंचे और जिम करने की बात कहने लगे, साथ ही गाली गलौज करने लगे। जिम में महिलाएं और युवतियां भी मौजूद थी, जिसके चलते जिम के संचालक हिमांशु सिंह ने नशे की हालत में उनसे जिम करने से मना किया, जिससे आक्रोशित होकर वह जिम के बाहर गए और बाहर गाली गलौज करने लगे। जिम के संचालक हिमांशु सिंह गाली गलौज करने के लिए रोकने पहुंचे तो उन्होंने 315 बोर के तमंचे से फायर करना शुरू कर दिया, जिसका पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। यही वीडियो है। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है किस तरीके से एक के बाद एक तमंचे से फायर किया जा रहा है। अपने आप को बचाते हुए हिमांशु सिंह और अन्य लोग जिम के अंदर आए तो दोनों युवक गेट पर खड़े होकर फायर करने लगे, जिसमें जिम करने आए गौरव विश्वास की सर में लग गई है। जैसे ही गौरव की गोली लगी, घटना को अंजाम देकर दोनों मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पुलिस को मिली तो तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने घायल गौरव को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भिजवाया। यहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने पूरे मामले की जाँच पड़ताल की और मुकदमा दर्ज कर दोनों नामजदों की तलाश शुरू कर दी है। क्या नाम भैया आपका? हिमांशु सिंह। अच्छा, आप जिम के कौन है? इसके संचालक ओनर हैं। क्या घटना हुई थी आज सुबह? यहाँ गोली चली 6 बजे। दो लोग आए और आके जिम में उन्होंने दारू पी रखी थी बहुत ज़्यादा। आगे जिम में बदतमीजी करने लगे, लड़कियाँ एक्सरसाइज कर रही थी और गाली गलौज करने लगे, तो मैंने उन्हें उठा के बाहर करा। मैंने कहा जब नशा उतर जाए तब आना। फिर वो दो लोग चले गए यहाँ से। 10 मिनट बाद फिर आए, उनमें से एक आदमी ऊपर आया, ऊपर आके बोला नीचे चलो, ये है वो, बेइज्जती हो गई, बताएंगे तुम्हें ये सब। तो मैं गया नीचे, तो दूसरा लड़का नीचे ही खड़ा हुआ था। उसने मुझे देखते ही तुरंत ही उसने कट्टे से फायर करा, मैं झुक गया। फिर से उसने दोबारा लोड करा, फिर से फायर करा। फिर हम लोग गैलरी की तरफ भागे, फिर तीसरा राउंड फायर करा, फिर चौथा। जब लोग गैलरी के एंड पे आ गए तो मेरे पास में एक और भैया है, वो जिम करते हैं, वो खड़े थे, तो मैं तो झुक गया, वो नहीं झुक पाए, उनके सीधे सिर में गोली लगी। अच्छा, जिनके गोली लगी उनके क्या नाम है? उनका नाम है गौरव विश्वास। अच्छा, वो कौन है यहाँ के? वो क्लाइंट है, यहाँ पे जिम करते हैं। अच्छा, जिम करे। क्या वजह क्या थी गोली चलने की? जो इतना कुछ नहीं, सुबह वो आए थे दारू के नशे में थे। मैंने उनको जिम से बोला कि जब नशा उतर जाए तब जिम पे आना, बस इतनी बात पे वो लोग बाहर गए। उन्होंने कट्टा लेके 4 राउंड फायर करा। कौन कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है इनके? एक का नाम है गोल्डी चौहान, जो बिछिया का रहने वाला है, आवास विकास में घर है उसका, और दूसरा है गोपाल चौहान, जो खरपरी का रहने वाला है।